दीपक सर जी के में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक चौधरी आप लोगों के लिए 10th के साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपको हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब कि ये हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग आशा करता हूं अगर इसमें से जो भी विद्यार्थी 60-80% के बीच में अगर मार रहे हैं तो उसका स्थिति तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उससे जो कम कर रहे हैं तो उसका स्थिति देखने लायक है, ठीक है। तो उसको पढ़ने लायक है, मेहनत करने लायक है। तो आप लोग के लिए वीडियो बनाया गया है। आप लोग अगर वीडियो जो देख रहे हैं, अगर वीडियो पर कुछ जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो चैनल पर बने रहे, ठीक है। जो है तो वो तो है ही है, वो तो जानते ही हैं हमको। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन है आपको, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल है। देखिए इसको आप जो इंग्लिश वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो हाउ मेनी लॉस ऑफ द रिएक्शन ऑफ लाइट आर थ्री, ठीक है। तो टू टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, जो इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के हो गए तो उसके लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण बताइए क्या होता है, यह किरण क्यों तिरछी नजर आती है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर ये झुक जाती है, इस कारण से आपको तिरछी दिखाई पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो किस लेंस को कहते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आपको हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है चार नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, बताइए इसका आंसर, चार नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस तरह के प्रतिबिंब को पाने के लिए लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पाँच नंबर के क्वेश्चन की तरफ, फाइव नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आशा करता हूँ सारे बच्चे देंगे, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोल रहा है छः नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है सात नंबर, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है, सात नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सात नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा मात्रक विहीन जो होता है आपको लेंस के आवर्धक एसआई मात्रक का निम्न होता है, ठीक है। तो मात्रक विहीन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चलते हैं, जो तारों का टिमटिमाना क्या दर्शाता है, बताइए। तारों का जो टिमटिमाना है, घटना है, जो क्या बताता है, इस क्या चीज़ को दर्शाता है तारों का टिमटिमाना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जो प्रकाश का अपवर्तन बताता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारों का टिमटिमाने का मीन्स हो गया प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नौ नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है, नाइन नंबर क्वेश्चन है, ये किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। चालक की अनुपस्थिति काट एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, हमेशा से क्षेत्रफल पर भी निर्भर निश्चित ही करेगा। चालक के पदार्थ की या प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि चालक के पदार्थ किस प्रकार का, सोना है, चांदी है, अल्मुनियम है, टीना है, लोहा है, किस पर है,
हर हिसाब से उसमें हर तरह का प्रतिरोध होता है तो उस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को, जो निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा एक मात्रक है। तो वाट जो है आपको विद्युत शक्ति का ऐसा एक मात्रक है। विद्युत शक्ति का ऐसा एक मात्रक वाट, और विद्युत धारा का ऐसा एक मात्रक एम्पियर। विद्युत शक्ति का ऐसा एक वाट और विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना। ठीक है, जहां पर बनेगा वहां पर मैं बनाऊंगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट देने का पूरा पूरी यहां पर इंतजाम किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ जो होता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया आमीटर। जिस किसी का भी लास्ट में आप लोग बताइएगा जो किसका कितना सही हुआ। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्यूज के तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज के तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो फ्यूज के तार के लिए जो है आपको सी नंबर, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा आपका पित्तल। पित्तल जो है आपको चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इंग्लिश में बोले तो ब्रास, इंग्लिश में ब्रास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया, नेक्स्ट बोल रहा है आपको कितना, 13 नंबर क्वेश्चन हो ना, हाँ 13 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन होगा, तो भाग गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको, 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी या परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए, परिनालिका का मान कितना होगा। तो ये आपको सभी बिंदुओं के समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, विद्युत धारा जो है विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए। तो किसने किया था, ओस्टर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 16 नंबर आपका, निम्न में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो आपको जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सबसे पहले बात है, जैव मात्रा का मतलब क्या हो गया, जैव मात्रक हो गया आपको प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत में आपको क्या आ जाता है, लकड़ी आ जाता है, गोबर गैस आ जाता है, कोयला आ जाता है। लेकिन नाभिकीय क्या है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो प्राकृतिक में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, निम्न में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय स्रोत हो जाएगा। ठीक है, यू आर गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है Na2SO4+BaCl2 रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो क्या बन रहा है, BaSO4+2NaCl बन रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया, ये हमसे पूछ रहा है, ये जो अभिक्रिया हो रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। बताइए 18 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के पीएच मान तो 5.6 से कम होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हो गया 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, जो NaCHO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है। NaCHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन का हो गया बेकिंग सोडा। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, जो अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग करते हैं, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। एंटासिड का हम उपचार किस लिए करते हैं, जो हमें अपच गैस की तरह, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो गैस आता है इस टाइप का, तो हमको क्या होता है एंटासिड का हमको जरूरत पड़ता है। किसका? एंटासिड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है किसी चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन होता है, तो यह अम्ल कौन सा होता है बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, इसका आसान आंसर बताइए। आसान क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तो ये होता है मिथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल होता है। चींटी के डंक जो अम्ल छोड़ते हैं उसको क्या, कौन सा अम्ल कहते हैं? मिथेनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन सब जो है आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? टमाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है आपको, आज लग रहा है मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, देखते हैं फिर भाग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब 22 नंबर क्वेश्चन होगा ना, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया है तो 23 नंबर क्वेश्चन ना, हाँ 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन सब है, आप लोग पढ़े होंगे तो आशा करता हूँ उसका जवाब दे रहे होंगे, जहाँ भी आप कोचिंग किए होंगे आशा करता हूँ अच्छे जगह किए होंगे और आप लोग सीखे होंगे। ये रिपीटेशन है क्योंकि इस टाइम तक छोड़ दिया जाता है कोचिंग से, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है CaSO4 × ½H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का सूत्र है, ½H2O का मतलब हो गया 1/2, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है ½H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। 23 नंबर क्वेश्चन का नाम बताइए इसका, तो ये जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निश्चित पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जो है निश्चित पूछा जाएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में हो जाता है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो है आपको कमरे के ताप पर तरल अवस्था में हो जाता है। अब पारा का जो अयस्क कौन सा है, अयस्क जिसको इंग्लिश में ओर कहते हैं, तो इसका अयस्क हो गया सिनेवार। पायक का पारा का अयस्क क्या हो गया, सिनेवार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम ओर मतलब अयस्क को इंग्लिश में ओर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मैंने पहले ही बताया जहां पर मुझे नॉलेज रहेगा मैं उस नॉलेज को 100% शेयर करूंगा, ठीक है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने बंधन होते हैं बताइए इसका आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये जो होता है तिर्यक अवंधन होता है, तिर्यक अवंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक है, अब बताइए हम निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन सा है, तो निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है, पहला ये अपवाद है, ग्रेफाइट जो है अधातु है और अधातु में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ये अपवाद है, आपको पूछ सकता है ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन कहाँ भाग जाता है, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन भाग रहा है, आज लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, 10th का पहला ही क्लास में इतना प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आता रहता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्लास आप लोग का टाइमली होगा, रोज रेगुलर होगा, ठीक है। क्लास आपका सुबह 9 बजे आपको मिल जाया करेगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कार्बन का सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कार्बन के जो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बताइए कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, एटॉमिक नंबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? बताइए एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? 28 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए एल्किन का सामान्य सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n। CnH2n किसका? एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n, क्या है? सामान्य सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न रचनाओं संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा संरचनात्मक समयवयव। एक नंबर क्वेश्चन संरचनात्मक समयवयव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है जो आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? उद्ग्रह जो मतलब खड़े, उद्धाधर का मतलब हो गया खड़े खड़े, खड़े खड़े जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? समूह कहते हैं, ठीक है, समूह कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? 32 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 3:1 के अनुपात में होता है, 3:1 के अनुपात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? बताइए हरे पौधे जो है, आपको 33 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। कैसे? क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। आप कैसे भोजन बनाते हैं, ये आशा करता हूँ आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं किसके जरिए? पत्ती और जड़ के जरिए बनाते हैं। जड़ से जल लेते हैं, पत्ती जो है उस पत्ती में भोजन बनता है। कहाँ बनता है? पत्ती में भोजन बनता है, पत्ती में जो स्टोमाटा होता है उसके जरिए बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोल रहे हैं आप लोग को छोटी आंत में पाए जाने वाले रसाकूढ़ का क्या कार्य है? छोटी आंत में जो पाया जाता है, इसके बारे में मैं आशा करता हूँ आपकी क्लास में बताया होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसाकूढ़ क्या कहलाते हैं, ठीक है। मेरे पास उतना समय नहीं है जो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लेन करने वाला है। नेक्स्ट जो बैच बनेगा उसको फुल्ली एक्सप्लेन करके बनेगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्रेवस चक्र की क्रिया कहा जाती है। क्रेवस चक्र की, एक मिनट क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल रहा है? छोटी आंत के पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? अवशोषण करना। क्या कार्य है? अवशोषण करना, ठीक है, अवशोषण करना। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट है आपको क्रोप्स चक्र की क्रिया क्या कहलाती है? क्रोप्स चक्र की क्रिया क्या कहलाती है? 35 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य में क्रेप्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है बच्चे लोग? कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है तो छोड़िएगा नहीं, पूरा क्लास देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन, बहुत आसान क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? और खनिज लवण का, फ्लोएम ऊतक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? खुला परिवहन यंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन यंत्र किसमें पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तितली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तितली में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी थक गया हूँ, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको स्टोरेज में नहीं है। किसमें? स्टोरेज में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन एमिनो अम्ल को विखंडन से बनता है? ये जो निम्नलिखित में से कौन इमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है? NH3 बनता है, NH
थ्री बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, 41 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावित ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनमें कौन फल पकाने में उपयुक्त होता है, फल पकाने में कौन सा उपयुक्त होता है बताइए, 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, एथिलीन फल पकाने में उपयोगी होता है, एथिलीन फल पकाने में उपयोगी होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से घेघा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से घेघा रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मुकलन, 44 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मुकलन। नेक्स्ट है, मानव में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, मानव में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, तो फैलोपियन नलिकाए में होती है, क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में होती है, फैलोपियन नलिका में होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अनुवांशिकता के पिता मेंडल को कहा जाता है, किसे, मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 47 नंबर, जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत होता है, जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बताइए, 47 नंबर क्वेश्चन, जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है, एक और क्वेश्चन होगा, ठीक है, 48 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, जातियों की उत्पत्ति मानक पुस्तक किसने लिखी है, 48 नंबर क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति मानक पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन ने लिखी है, ठीक है। ये था आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, जो कि आपके दोस्त लोग जो भी हो, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, ट्विटर, जहां भी आप शेयर कर सकें वहां शेयर करें, और अपने दोस्त को भी बोले देखने के लिए, क्योंकि आपके दोस्त भी पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा, दोस्त भी पढ़ेगा, सबका हेल्प होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।